दोस्तों आईपीएल 2021 का एक बार फिर से आगाज हो चुका है दोस्तों। एक से बढ़कर एक मुकाबले इस आईपीएल के दौरान हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। काफ़ी रोमांचक आईपीएल जो है होता जा रहा है। और दोस्तों आप बात करेंगे हम टीम आरसीबी के बारे में, जहां पर दोस्तों टीम आरसीबी ने पिछला मुकाबला जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो जीता है और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत अब यहाँ पर टीम आरसीबी को मिल चुकी है अपनी जीत की। और दोस्तों अगला जो मुकाबला होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगा 29 तारीख को शाम 7:30 बजे से। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मुकाबले की डेंजरस प्लेइंग ग्राउंड बताने वाला हूं टीम आरसीबी के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा। तो दोस्तों बात करूं वीडियो के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल यहाँ पर टीम आरसीबी का प्रदर्शन यहाँ पर फेस वन के अंदर तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहा था, लेकिन दोस्तों यूएई की पिच को कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों पिछले मुकाबले में काफी खतरनाक कमबैक यहाँ पर टीम आरसीबी ने किया है। और दोस्तों टीम आरसीबी बल्ले से भी और अपनी गेंदबाजी से भी हर तरीके से आगे बढ़ी अपने मुंबई इंडियंस की टीम पर। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी जब काफी ज्यादा मोटिवेटेड और काफी ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही होगी, और ऐसे में यहाँ पर टीम आरसीबी का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यहाँ पर दोस्तों 29 तारीख को शाम 7:30 बजे से। और ऐसे में दोस्तों बात करूं यहाँ पर टीम आरसीबी की खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों बात करूं नंबर 1 के खिलाड़ी की, तो दोस्तों ये होंगे कप्तान विराट कोहली, जिनके बल्ले से पिछले मुकाबले में और उससे पिछले मुकाबले में अर्धशतक निकला था। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर उनका साथ निभाने के लिए देवदत्त पड्डीकल। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर हो सकते हैं श्रीकांत भारत एज ए विकेट कीपर। और दोस्तों इसी के साथ चांसेस है मोहम्मद अजीदीन के, हालांकि दोस्तों श्रीकांत भारत भी पिछले मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे अपने बल्लेबाजी से। वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, पिछली बार के मैन ऑफ द मैच, काफी बेहतरीन का प्रदर्शन रहा था और यहाँ पर टीम आरसीबी के लिए काफी एक मैच विनिंग पारी इन्होंने खेली है। और दोस्तों वहीं पांचवें नंबर पर होंगे मिस्टर 360, यहाँ पर दोस्तों एबी डिविलियर्स। वहीं दोस्तों बात करें पर छठे नंबर के खिलाड़ी की, तो दोस्तों ये होंगे शहबाज अहमद। सातवें नंबर के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं डैनियल क्रिश्चियन। और दोस्तों वहीं आठवें नंबर के लिए होंगे यहाँ पर काइल जेमिनसन। और दोस्तों इसी के साथ नौवें नंबर पर होंगे हर्षल पटेल, जिन्होंने यहाँ पर पिछले मुकाबले में 4 बेहतरीन विकेटें ली है। फिलहाल दोस्तों पर्पल कैप के नंबर 1 दावेदार हैं। और दोस्तों ऐसे में यहाँ पर हर्षल पटेल की भूमिका जो है टीम आरसीबी के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों वहीं बात करें नंबर 10 के खिलाड़ी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं मोहम्मद सिराज। और वहीं दोस्तों 11वें नंबर के लोग यहाँ पर युवेंद्र चहल, जिन्होंने यहाँ पर पिछले मुकाबले मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 बेहतरीन विकेटें ली हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी भी हमें टीम आरसीबी के पिछले मुकाबले में देखने को मिली है। 10 की 10 विकेटें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की इन्होंने ली है। तो ऐसे में दोस्तों टीम आरसीबी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करी अगले मुकाबले के लिए। तो दोस्तों देखना होगा कि अगले मुकाबले में यहाँ पर टीम आरसीबी कैसा प्रदर्शन करती है। दोस्तों आपके मुताबिक यहाँ पर अगले मुकाबले में कौन सी टीम के जीतने के सबसे ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं आपके मुताबिक, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर संजू सैमसन की टीम जीतेगी या फिर जीतेगी कप्तान विराट कोहली की। और इसी के साथ यहाँ पर कप्तान विराट कोहली को अपनी फॉर्म को सुधारने में यहाँ पर टीम में कुछ बड़ा बदलाव करने की कोई जरूरत है कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियोस। वीडियो के अंदर मैंने आपको टीम आरसीबी की खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।